तो आज बच्चा लोग हम इस प्रैक्टिकल में मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करेंगे, और इसका जो मोहर सॉल्ट का प्रिपरेशन करने का वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है। तो प्लीज़ जाके आप उसे देखिए कि किस प्रकार से मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद इस प्रैक्टिकल पे आइए, तब आपको पता चलेगा कि मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको हम कैसे उसका टाइट्रेशन करेंगे, और बाकी का प्रैक्टिकल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस प्रैक्टिकल में मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टैंड पे हम ब्यूरेट को फिट कर देंगे, फिर इस ब्यूरेट में KMnO4 को फिलअप करेंगे 0 मार्क तक। कुछ इस प्रकार से प्रॉपरली करना है, 0 मार्क तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, पहले पूरा फिलअप एक्स्ट्रा थोड़ा कर दीजिए, फिर नीचे से भी थोड़ा सा निकाल दीजिए और 0 पे सेट करिए ताकि नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी KMnO4 आ जाए। और ध्यान रखना कि उसके अंदर बबल्स ना हो। 0 सेट हो गया है, अब देख सकते हैं 0 मार्क तक हमने कर दिया सेट। उसके नीचे वाले पोर्शन में बबल्स नहीं होना चाहिए, तो पूरा फिल। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो बहुत जल्दी पिंक कलर आ जाएगा, जिसे हमें फाइंड करना है। तो अभी हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml मोहर सॉल्ट पीपेट के हेल्प से लेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से पीपेट से खींचना है, फिर उसमें एक 10 ml का मार्क किया होगा वहाँ तक हमें उसको फिल करना है और कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। और उसके बाद हमें 1 मोलरिटी वाला H2SO4 इसके साथ मिक्स करना है। इसको सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब हमें यूज़ करना है। 1 टेस्ट ट्यूब लेके उसको, उसके अंदर हमें 1 मोलरिटी वाला H2SO4 लेना है और उसे हमें मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देना है। इसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमें 7 ml डाल देना है। तो अब हमें करना क्या है, धीरे धीरे ब्यूरेट को, जो वाल्व है उसे हमें एकदम इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ब्यूरेट के अंदर से KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर गिरे, और उसे अच्छे से हिलाते जाना है ताकि वो अंदर मिक्स हो जाए। और तब तक हमें ऐसा करना है जब तक हमें लाइट पिंक कलर नहीं मिल जाता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है उसका लेवल KMnO4 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहर सॉल्ट के अंदर KMnO4 मिक्स होते जा रहा है। अभी कलरलेस है, हमें पिंक कलर जब तक नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। ध्यान रखना है कि इसमें से जैसे ही लाइट पिंक कलर आए इसे वाल्व को हमें बंद कर देना है, नहीं तो ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, पिंक डार्क में नहीं होना चाहिए। इसकी रीडिंग जो है वो लगभग 10 के आसपास मिल जाती है, वो आपको याद भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें लाइट पिंक कलर मिल गया है,
और इसकी रीडिंग देख लेते हैं, इसकी रीडिंग है 9.7 ml। तो इसी प्रकार से हम दो बार और रीडिंग लेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीडिंग में हमने इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट 0.00 रखा था, फाइनल रीडिंग हमको 9.7 ml मिला। तो वॉल्यूम ऑफ KNO4 कंज्यूम हो गया 9.7 ml। इसी प्रकार से सेकंड टाइम और थर्ड टाइम करने पर हमें इसका KNO4 का वॉल्यूम मिला 10 ml एंड 10.3 ml। तो जैसे हमने इसका एवरेज वॉल्यूम फाइंड किया, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पे हमको मिलता है 10 ml। तो अब हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले मॉलिकुलर इक्वेशन देखेंगे। मॉलिकुलर इक्वेशन में हम क्या लेंगे, KNO4 लेंगे और H2SO4 लेंगे। दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, K2SO4 और MnSO4 प्लस H2O और 5 nascent ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे। तो K देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे Mn कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 1 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब SO4 देखिए 2 टाइम्स है और 1 टाइम, 3 टाइम्स हुए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब H2 देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, तब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का H2SO4 के साथ। तो इक्वेशन क्या होगा, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और H2SO4 के साथ करवाएंगे रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4, यहाँ पे फेरस का फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के साथ होने से, और क्या मिला 6H2O प्लस, यहाँ पे H2 है और O है, ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बैलेंस करेंगे तो Fe 2 टाइम्स है, यहाँ पे सिंगल टाइम्स है, तो ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अब NH4 देखिए ट्वाइस का 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 1 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब SO4 को देख लिए 3 टाइम्स है और 1 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो टोटल 5 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, 4 टाइम हुआ और यहाँ पे 1 टाइम। 6H2O है यहाँ पे और 1H2O, इन दोनों से मिलकर बनाया, तो टोटल H2O कितने हो गए, 6 2 जा 12 प्लस 1 टाइम 13 टाइम हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 जा 12 और ये दोनों मिलके 13 टाइम H2O बना देंगे। तो अगर हम अब देखें, अगर इसको अब देखें यहाँ पे कि हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, तो हमें ये जो नेशेंट ऑक्सीजन है वो इक्वल करने होंगे दोनों तरफ से निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इक्वल करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, तो ये और ये कट जाएंगे। ओके, तो अब देखिए क्या बच गया, 2KMnO4 प्लस H2SO4 3 टाइम्स है और इस साइड कितने टाइम है, ये 5 से मल्टीप्लाई किया था 5 टाइम्स और प्लस 3 कितना हो गया, 8H2SO4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, तो इस साइड की लेफ्ट साइड की हो गए। अब राइट साइड देखते हैं, K2SO4 2MnSO4 प्लस ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 5Fe2SO4 थ्राइस, ये 5 2 जा 10 हो गया, 10
NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस 13 5 या 65 प्लस 3, तो ये हो गया 68 H2O। ओके, ये तो कट गया आपस में, तो ये हमारा मिल गया मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन में क्या होगा, हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, OR AOH, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए MnO4- माइनस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला आयन में, Mn+2। अब यहाँ पे हमें Mn का पहले आयन नहीं पता है, तो हम पता कर लेंगे साइड में। मान लीजिए कि उसका आयन X है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और कितने ऑक्सीजन है 4, इक्वल टू कितना है टोटल -1। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 इक्वल टू -8, तो X इक्वल टू -1 प्लस 7 प्लस 8, तो X इक्वल टू कितना हो गया 7। ओके, तो ये Mn हमें मिल गया प्लस 7। तो यहां पे देखिए प्लस 7 से Mn कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, दैट मीन्स इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हुआ। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब हम Fe का देख लेते हैं, Fe प्लस 2 से क्या हो जाता है, Fe प्लस 3 हो जाता है। यहां पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो अगर हमें इनको बैलेंस करना है, एडिशन करना है, तो इन दोनों को एटम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सिंगल ही है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब देखो ये 5 टाइम्स कट जाते हैं, यहां पे क्या बचा, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 और H प्लस बच गया ऊपर से, और क्या बचा इस साइड, Mn प्लस 2 प्लस 5 टाइम्स Fe प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने एटम बैलेंस कर दिया है, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, एटम बैलेंस भी हो गया, इलेक्ट्रॉन को कर दिया हमने, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब H कितने हो गए यहाँ पे, 4 2 8, तो यहाँ से 8 कर दिया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और इसका कोफिशियंट क्या है 5, और पिछले वाले में क्या था, 4 के लिए इसका कोफिशियंट कितना था, 2 था, और फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए 10, तो याद रखिएगा 2 और 10 और यहाँ पे 1 और 5। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन पे, वेट ऑफ मोहर सॉल्ट, जब हमने मोहर सॉल्ट प्रिपेयर किया था तो हमने उसका वेट कितना कैलकुलेट किया था, 4.9 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट प्रिपेयर हमने कितना प्रिपेयर किया था, 250 ml। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा पिपेट में कितना लिया था, सभी टाइट्रेशन के लिए मोहर सॉल्ट हमें पिपेट में कितना लेना है, 10 ml लेना है, आप 20 ml भी ले सकते हो, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमने 1 मोलरिटी का H2SO4 लिया था, कितना लिया था, 10 ml, ये अगर आप 20 लेते हो तो यहाँ पे भी 20 लेना पड़ेगा। ठीक है, और ब्यूरेट में हमने कौन सा सॉल्यूशन रखा, ब्यूरेट में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, KMnO4। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे हम, कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन हमें क्या फॉर्मूला मिला है, M1V1/n1=M2V2/n2। ठीक है, ये हो गया हमारा KMnO4 के लिए, और ये हो गया हमारा मोहर सॉल्ट के लिए। ठीक है,
यहाँ पे M1 जो है वो हमें फाइंड करना है मोलरिटी, वॉल्यूम हमें KMnO4 में कितना मिला, एवरेज 10 मिला, ओके और N1 कितना आया 2, अभी हमने देखा N1 कितना आया, N1 कितना लेना है 2 और 10, या तो फिर आप कितना लोगे 1 लोगे और उस साइड 5 लोगे, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। अब मोर सॉल्ट के लिए हम कितना लेंगे 10 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे M2 कितना गिवन है आपको मोर सॉल्ट की मोलरिटी गिवन है 1/20, V2 हमने कितना बोला 10 लेंगे, ओके और यहाँ पे N2 कितना आया 10, मोर सॉल्ट हमने 10 ml लिया था उसका 10 हो गया और N2 भी मैंने बताया इसका कितना लेंगे 10 लेंगे, अगर ये हम कितना KMnO4 के लिए 2 लेते हैं तो ये 10 लेना पड़ेगा, अगर ये 1 लेते हैं तो ये 5 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगा, 0 0 कट गए, ठीक है, 2 1 जा 2 10 जा, अब वो 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा M1 बराबर 1/10×10 100 हो गया, दैट मीन्स 0.01 मोलरिटी, दैट मीन्स मोल पर लीटर, ओके okay? अब इसकी स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये मोलरिटी हो गया, स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे जो होता है क्या ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो मोलरिटी का इक्वेशन क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू वेट होता है डिवाइड बाय मोलर मास होता है या फिर मोलर वेट होता है मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है लीटर, ठीक है, तो ये क्या है ग्राम पर लीटर, यहाँ पे हम वेट पर वॉल्यूम कर सकते हैं, वेट पर वॉल्यूम, ठीक है, तो इधर क्या बच गया मोलरिटी, मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर वेट, ओके तो यहाँ पे मोलरिटी कितनी आई हमारी 0.01 मल्टीप्लाई मोलर वेट कितना होता है, मोलर वेट कितना होता है इसका 158 हमने कैलकुलेट किया था पिछले एक्सपेरिमेंट में, ओके तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ कितनी मिल गई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.58 ग्राम पर लीटर, ओके तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया उसके लिए, तो इसी प्रकार से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, तो अगर इसका आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये अगर मोलर वेट ये सब आपको फाइंड करना है तो मैंने पिछले मोर सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उस वीडियो में बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक गिवन है उसमें जाके क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, ओके तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, और आगे इस टाइप के प्रैक्टिकल देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच।